नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बीपी हाई की प्रॉब्लम रहती है या फिर दांतों में दाद में दर्द रहता है तो उसका हम घरेलू और बिल्कुल सत्य और सटीक इलाज आपको बताते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। दोस्तों, जिस व्यक्ति के बीपी हाई की शिकायत रहती है, जिसको बीपी हाई का रोग हो जाता है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी क्रोधित होता है, उसका शरीर कमजोर हो जाता है, उसके सर में दर्द रहने लगता है, यानी उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, उसकी सोचने की क्षमता धीमी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, वो चिड़चिड़ा रहने लगता है, उसको बात बात पर गुस्सा आने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बीपी हाई जो होता है, ये व्यक्ति के लिए बहुत ही जीवन में हानिकारक होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। बीपी हाई होने पर आदमी कुछ भी कर सकता है, पागलपन सा हो जाता है, क्योंकि बीपी हाई होने पर आदमी की सोचने की जैसे क्षमता खत्म हो जाती है तो फिर वो अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोच पाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति अंग्रेजी दवाइयां खा खाकर पक गए हैं, थक गए हैं, बीपी हाई की बीमारी से राहत नहीं पाए हैं, तब बीपी हाई का रोग आपका ठीक नहीं हो पाया है या बीपी आपका संतुलन में नहीं रहता है, तो उन व्यक्तियों के लिए मैं बहुत ही खास आज आपको बहुत ही कारगर घरेलू दवाई बताने वाला हूं। और दूसरी जानकारी ये भी देना चाहता हूं, जिन व्यक्तियों के दांतों में या दाढ़ में दर्द रहता है, आए दिन दर्द की वजह से परेशान रहते हैं या अचानक बहुत ज्यादा दांत में दर्द हो जाता है या दांतों में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए भी ये दवा कारगर रहेगी। यानी दांत के दर्द हो या दांत का दर्द हो या फिर आपको बीपी हाई की बीमारी हो, दोनों बीमारियों में, दोनों रोगों में आपको एक ही नुक्ता काम कर सकता है। तो वो नुक्ता क्या है, इस बारे में आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, इस पेड़ को पहचानिए आप। ये पेड़ हर जंगल में, आसपास आपके आसपास कहीं भी जंगल में, आपके घेर में, आपके घर के पीछे या कहीं भी, इसे हम नर्सरी में देख सकते हैं, खूब देखने को मिलता है, रास्ते में सड़कों पर खड़ा रहता है। पहचानिए इस पेड़ को। इस पेड़ को कहते हैं उल्टी झड़का चिरचिटा, यानी उल्टी झड़का चिरचिटा का ये पेड़ है, जिसे गांव में उल्टी झड़का चिरचिटा का पेड़ कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिनको बीपी हाई की शिकायत है, जिस व्यक्ति को, माता बहन को, छोटे बड़े किसी भी व्यक्ति को बीपी हाई की शिकायत है, परेशानी रहती है, तो वो सबसे पहले सुबह सुबह निन्नेवासी, इसमें से 1 से 5 पत्ते तक निन्नेवासी चबा कर खा सकता है, तो उसका बीपी बिल्कुल संतुलन में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कुछ दिन खाने से बीपी हाई की बीमारी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह बिल्कुल सटीक उपाय है, देख लीजिए आप, यह हर जगह मिलता है पेड़, इसे कहते हैं उल्टी झड़का चिरचिटा। तो ये तो हमने बीपी हाई की आपको नुक्ता बताया है, बिल्कुल सरल, इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह जाइए निन्नेवासी, 4-5 पत्ते तोड़िए पानी में धोकर और उसे चाप जाइए, आपका बीपी बिल्कुल तुरंत ना ठीक हो तो मुझसे कहना, कॉमेंट बॉक्स में बताना। और दूसरा नुक्ता, यदि आपके दांत में दर्द रहता है, दांत में दर्द रहता है, तो आप इस पेड़ की, उल्टे झड़के पेड़ की जो जड़ होती है, जड़ का मतलब जो इनकी जड़ कुछ तो ऊपर को आती है जमीन से, पर कुछ जो जड़ के, जड़ जमीन के नीचे जाती है, तो आप जमीन को खोदिए और जमीन के अंदर से जो उसकी जड़ होती है उल्टे झड़के चिटचिटा के पेड़ की, तो उसमें से थोड़ी सी आप ले लीजिए लंबी सी, और उसके बाद आप अपने दांतों का मंजन करिए, उससे ब्रश करिए, यानी दातुन करिए। कुछ देर दातुन करने से आपके जो दांत का दर्द है या दांत में दर्द है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और
यदि आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, पारिया लगा हुआ है, या बादे की वजह से आपके मसूड़े फूल चुके हैं, तो उस दिन करने से ये शिकायत जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इस पेड़ में बड़ी ताकत है, इस पेड़ में हजारों गुण हैं, ये सैकड़ों रोगों को ठीक करता है। लेकिन मैंने स्पेशल आपको ये बताया है कि ये बीपी हाई में और दांतों की परेशानी को दूर करता है। इसे आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री की दवाई है, ये आपको खरीदनी भी नहीं पड़ेगी। तो यदि आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि किसी भाई बहन की समझ में मेरी ये बताई जानकारी समझ में नहीं आई है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, हमें कॉल कर सकता है, हम उसको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। तो मेरे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, यदि आप जीवन में अपनी राशि के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, या फिर अपनी परेशानियों के समाधान के बारे में, या किसी भी ग्रह दोष के बारे में, या शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं सत्यापित, या किसी रोग का देसी नुक्ता इलाज पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे शब्द ज्ञान YouTube चैनल से जुड़िए, क्योंकि हमारे शब्द ज्ञान YouTube चैनल पर बिल्कुल सत्य और सटीक जानकारियां मिलती हैं। हम यहां वीडियो कोई भी लाइक या व्यूअर बढ़ाने के लिए नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फायदा हो, आपके जीवन में हमारी बताई हुई वीडियो, हमारे बताए हुए इलाज कारगर साबित हो, तब आप खुद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे, क्योंकि जो सत्य होता है वो हमेशा टिका हुआ होता है और झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है। तो इसलिए मित्रों, सत्य जानकारी लेने के लिए सत्य देर ना करें, तुरंत हमारे शब्द ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी करता हूं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ, जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद जय भारत। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना ये मेरी राशि होती है। आई एम जयंत शर्मा, प्रेजेंटली मेरी करीब 81 ईयर्स की एज है मेरे समय, आई एम रनिंग 81 जी। और इतना ज्ञान आपको उसके बारे में है मैं समझ नहीं सकता कहाँ से है। मैं एक्चुअली वैसे तो बिलोंग करता हूँ राजस्थान का कोटा से जी, पर बड़ौदा के अंदर मैं सेटल हो गया हूँ। मैं यहाँ पर इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट में यहाँ पर से रिटायर हुआ हूँ, 20 सालों का रिटायर हुआ है। मैं चीफ ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सेफ्टी का हेड था यहाँ का IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन, यहीं से रिटायर हुआ, मुझे 20 साल रिटायरमेंट करी हो गए सर। क्या नाम? और मेरा नाम है जय नारायण शर्मा। अच्छा, तो मैं आज भी देखा, मैंने कल एक्चुअली गलत नंबर नोट कर लिया था, मैंने आखिरी नंबर कलेक्ट किया, मैंने 9599252139 चेंज किया मैंने जी। तो मैं खाली आपको धन्यवाद दे दूं और मैं बहुत आपको आभारी हूं। आपका ज्ञान मेरे ख्याल से ऐसा ज्ञान मैं नहीं समझता कि मैंने कभी आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा देखा होगा, ऐसा नहीं है सर। चलो ठीक है। तो अभी जगह देखिए, अभी क्या है, कभी कभी उधर दिल्ली में मेरी भतीजी देती है, पर कभी देखो उधर कुछ हुआ कभी आने जाने का, अभी कभी कोरोना टाइम में मूवमेंट कम होता है जी। तो अभी कभी आगे होगा तो फिर मैं आपका फोन पर संपर्क करूंगा, मैं आपको किसी हमारे रिश्तेदारों को भी मैं संपर्क करने के लिए आपको बोल दूंगा। ठीक है सर? ठीक है जी, धन्यवाद। तो आप कभी गुजरात पधारे हैं तो फिर मैं आपको जरूर अपना मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, जय नारायण शर्मा, मैं बड़ौदा रहता हूँ गुजरात में जी। जी। कभी आप कभी आपका भ्रमण हो गुजरात में कभी, तो ये आई एम श्योर आप कभी गुजरात आए होंगे कि नहीं आए सर? नहीं नहीं अभी तक नहीं आए। नहीं आए? नहीं। तो गुजरात एक भ्रमण करने लायक जगह है जहाँ सोमनाथ है, द्वारका सब जा सकते हैं जी जी। तो उसमें आपका जब कभी आप बाई रोड आएंगे तो फिर यही ये एरिया से आएंगे, अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो भी आप बड़ौदा से होकर निकलेंगे। ठीक है सर? कोई दिक्कत नहीं, जब भी गुजरात आएंगे तो आपको याद करेंगे ना करेंगे, और जरूर आप हो तो आप जरूर मेरे घर पे ठहर भी सकते हैं सर। ठीक है, जय नारायण शर्मा, बड़ौदा रहता हूँ मैं, और आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। सेव कर लीजिए, जय नारायण शर्मा मेरा नाम है जी जी। और हाँ, और मैं बड़ौदा में रहता हूँ और यहीं पे सेटल हो गया हूँ मैं। बेसिकली मैं बताया, मैं आई बिलोंग टू कोटा जी जी। आपके ज्योतिष शास्त्र के ऊपर मुझे क्या, मैं आपको बताऊं कि आज के 60 साल पहले वहां पर तक्षणा करके थे कोटा के अंदर है जी, सहदेव सक्सेना, उन वो, और
आपको, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। तो 60 साल पहले मेरे को जो चीजें लिख के दी थी आज भी मेरे रिकॉर्ड में पड़ी हुई है। जी। उस जमाने मुझे उन्होंने बोला था कि आप 5 दफा विदेश जाएंगे। जी। 5 से 6 दफा, और वही 5 से 6 दफा मेरा विदेश जाना हुआ कंपनी की तरफ से। मतलब पूरा वेस्टर्न पार्ट, पूरा चाहे इटाली कहें या फ्रांस कहें या अमेरिका कहें, लंदन कहें, सब जगह पर मतलब मेरा भ्रम। सहदेव सक्सेना ने आज वो हम सोच नहीं, मैं कोटा में था और बीएससी पढ़ता था। कोई सोच सकता है क्या नाम, बीएससी पढ़ रहे वाला लड़का मतलब आगे जाके ऐसी जगहों पर पहुंच जाऊंगा कि मतलब मुझे विदेशों का कंपनी तरफ से भेजा जाएगा। सो 7-8 दफा मेरे को विदेश जाने का चांस मिला था सर। वो सहदेव सक्सेना ने वो टाइम पे लिखा था, उन्होंने ये भी लिख दिया था मेरे को कि कौन कौन से साल आपके अच्छे होंगे, कौन कौन से साल में आपकी तरक्की होगी। तो ये ज्योतिष शास्त्र का मुझे एक तो उनका और दूसरा मैंने आपका जो सुना है, तो मुझे इसका विश्वास हुआ है कि ये एक साइंस अवेलेबल है, ये एक साइंस है, ये फालतू की चीज नहीं है। ये बिल्कुल ज्योतिष तो अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन कुछ लोगों ने इनको ज्ञान नहीं है, उनकी वजह से कुछ लोगों को अंधविश्वास लगता है, गलत लगता है। नहीं नहीं, मैं अपने मैं ऐसा नहीं, और भी ऐसे काफी लोगों के संपर्क में आया हूँ, ऐसा नहीं कह सकता हूँ, पर अभी रिसेंटली मतलब आपका मैंने सुन के मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। अब कभी कभी दिल्ली विल्ली कभी आना हुआ तो फिर बाद में फिर मैं दर्शन करेंगे और मैं अपने कोई अपने रिलेटिव मिलने जुलने वालों को आपके बारे में जानकारी दे दूंगा। ठीक है सर? ठीक है। आपके लिए और आपके लिए मेरा बड़ौदा के अंदर आप पधारिए, मेरे यहाँ से रुक के जाइए। ठीक है सर? बिल्कुल, जब भी आएंगे आपको याद करेंगे सबसे पहले, इन्विटेशन है आपके। ठीक है जी। तो पंडित जी आपका क्या मतलब सही करते हैं सारा ऑपरेशन क्या इसका? हाँ सारे तो करते हैं, घर से करते हैं ना सर? बिल्कुल हाँ जी। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.